हेलो माय डियर फैमिली, तो आ गए आप लोग। कैसे हो सब यार? एक तो ये 7 बजे शार्प जो लोग आ जाते हैं ना भाई, उनके लिए एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव यार। दिस इज एपिसोड नंबर 224। तो चलो शुरू करते हैं फिर। आज का हमारा सबसे पहला अपडेट है कल की 2898 एडी मूवी से, जहां रिसेंटली साउथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर कल की के प्रोड्यूसर स्वप्ना दत्ता ने प्रभास के किरदार भैरवा को लेकर कहा कि ऑडियंस को भैरवा का किरदार बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और वो उनके दिमाग में काफी लंबे समय तक रहेगा। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मूवी की रिलीज डेट के ऊपर तो कुछ क्लैरिटी दो आप लोग। मूवी पोस्टपोन हुई है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बताओ यार। और अगर डिले नहीं हो रही है तो मूवी का टीजर अभी तक क्यों नहीं डाला गया है? गंगुआ, जिसकी रिलीज डेट अभी तक क्लियर नहीं है, उसका टीजर भी आ चुका है और कल की रिलीज डेट है 9 मई। देखो यार, इस मूवी से उम्मीदें है, प्यार है, फिकर है, इसलिए ये कहना था कि भाई मूवी का टीजर अभी तक आ जाना चाहिए था। बाकी मेकर्स की मर्जी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मूवी पोस्टपोन होगी या फिर अपने रिलीज डेट के ऊपर बनी रहेगी? अपने ओपिनियंस कमेंट के अंदर बताओ। नेक्स्ट अपडेट है कमल हसन और डायरेक्टर मणिरत्नम की अपकमिंग मूवी ठग लाइफ से, जहां मूवी का नेक्स्ट शेड्यूल सर्बिया में मार्च और अप्रैल के बीच में होना था, लेकिन इंडिया में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस की वजह से मूवी का सर्बिया शेड्यूल पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि एक्टर कमल हसन खुद भी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है तो काफी बिजी रहेंगे कुछ हफ्तों तक, जहां मूवी का ये शेड्यूल अब शायद अप्रैल के लास्ट वीक में होगा। साथ ही मूवी से कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं, जहां कहा यह जा रहा है कि ठग लाइफ मूवी के अंदर कमल हसन के ट्रिपल रोल हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ये रूमर्स भी आ रहे हैं कि इस मूवी दुलकर सलमान ने ड्रॉप कर दिया है और उनके रिप्लेसमेंट के लिए अभी कोई एक्टर कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है देवरा मूवी से रिलेटेड, जहां हमने पहले भी अपने वीडियो के अंदर ये बताया था कि देवरा का फाइनल शूटिंग शेड्यूल गोवा में चल रहा है, जहां एक सॉन्ग को शूट किया जा रहा है। तो देवरा के सेट से कुछ BTS फोटोज शेयर किए गए हैं, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की डॉन 3 मूवी से, जहां पिछले कुछ दिनों से ये रूमर्स आ रहे थे कि डॉन 3 को मेजर डिले फेस करना पड़ सकता है, सिंस मूवी की शूटिंग पोस्टपोन हो गई है, जिसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर खुद के एक्टिंग प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। पर अब इंडस्ट्री इनसाइडर से रिपोर्ट आ रही है कि मूवी अपने ट्रैक पर है, जहां मूवी की शूटिंग अगले साल 2025 में शुरू होगी। करंटली मूवी अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। बाकी आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो कमेंट्स करके बताओ यार। अगली खबर आ रही है प्रियंका चोपड़ा के अपकमिंग प्रोजेक्ट से, जहां रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा इंडिया आई और उन्होंने Amazon Prime Video के इवेंट को भी अटेंड किया। तो रूमर्स ये आ रहे हैं कि इसी बीच प्रियंका चोपड़ा ने एक नई मूवी साइन कर ली है संजय लीला भंसाली के साथ, जो कि एक एक्शन मूवी होगी। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है प्रियंका चोपड़ा की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है अजय देवगन की अगली मूवी मैदान से, जहां मूवी के डायरेक्टर अमित शर्मा ने मूवी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर की है, जहां उन्होंने बताया कि मूवी के लिए पहली और फाइनल चॉइस अजय देवगन ही थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मूवी में 3500 से ज्यादा लोगों ने एक्टिंग की है, जहां इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में ऑडियो मिक्सिंग के प्रोसेस के टाइम पर कई बार उनके कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाते थे, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे उन्हें 1300 से भी ज्यादा लोगों की वॉइसेस को मिक्स करना था। मूवी ऑलमोस्ट 7-8 सालों से डेवलपमेंट में थी, जहां कई बार मूवी को डिलेस का सामना करना पड़ा था और अब फाइनली मूवी रिलीज होगी 10 अप्रैल को, जहां मैदान का क्लैश होगा अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां मूवी से। वैसे आप कौन सी मूवी पहले देखोगे कमेंट्स करके बताना। मेरी बात करूं तो मुझे तो दोनों ही देखनी है। अब जिसका शो सबसे पहले होगा उसको हम पहले देख लेंगे, लेकिन 10 अप्रैल को इन दोनों मूवीज के रिव्यूज को देखने के लिए आप जस्टेक चैनल के ऊपर जरूर से आ जाना। वैसे बड़े मियां छोटे मियां मूवी का एक और नया पोस्टर मेकर्स ने आज रिवील किया है और उसी के साथ मूवी के ट्रेलर की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। तो नोट कर लो, बड़े मियां छोटे मियां मूवी का ट्रेलर 26 मार्च को आने वाला है। उसका भी रिव्यू आपको हमारे मेन चैनल जस्टेक के ऊपर मिल ही जाएगा। रिव्यू से याद आया कि स्वतंत्र वीर सावरकर और मडगांव एक्सप्रेस दोनों मूवीज के रिव्यू जस्टेक के ऊपर आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आगे बात करें रवि किशन की अपकमिंग पैन इंडिया मूवी की, तो महादेव का गोरखपुर मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जो कि 3 मिनट 10 सेकंड का है। अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो कैसा लगा आपको, अपने ओपिनियन कमेंट में बताना। अगली खबर आ रही है प्रभु देवा और AR रहमान की अपकमिंग मूवी से, जहां ऑलमोस्ट 25 साल के बाद प्रभु देवा और AR रहमान किसी मूवी के लिए साथ आ रहे हैं। तो कल इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही इस मूवी को लिखा है मनोज श्रीधरन ने और वही इस मूवी को डायरेक्ट भी करेंगे। अगली अपडेट है रॉकिंग स्टार यश की नेक्स्ट मूवी टॉक्सिक से, जहां मूवी मेकर्स अपनी मूवी के अंदर फ्रेश फेसेस को कास्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप टॉक्सिक मूवी के अंदर काम करो तो आप ऑनलाइन ऑडिशंस दे सकते हो। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो और इस खबर को, इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाना जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। आगे बात करें तो मानुषी चिल्लर और वरुण तेज की ऑपरेशन वैलेंटाइन अब OTT के ऊपर आ चुकी है, पर प्रॉब्लम ये है कि मूवी का सिर्फ तेलुगु और तमिल वर्जन ही OTT के ऊपर आया है। तो अगर आप
बाकी किसी लैंग्वेज में मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का और इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप तमिल और तेलुगु वर्जन में इंटरेस्टेड हो तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आप मूवी को देख सकते हो। और आज का अपना लास्ट अपडेट है सिलियन मर्फी की अपकमिंग मूवी से, जहां फेमस सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 6 के बाद उसी से जुड़ी मूवी भी आनी है, जहां इस मूवी के अंदर सिलियन मर्फी अपने फेमस रोल थॉमस शेल्बी में हमें आखिरी बार दिखेंगे। पहले मूवी 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन मूवी का काम बहुत ज्यादा डिले हुआ है, जहां अब ये मूवी की शूटिंग इस साल सितंबर में शुरू होगी। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो यार एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे, तो टाइम से आ जाना। दिस इज जस्ट एंड यू आर वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।